हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत आफियत से होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस चैनल के ऊपर रिव्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ पिक्सल लैब फ़ोटो एडिटर के बारे में। तो अगर आपके पास ये ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप लोग सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ पिक्सल पिक्सल लैब। तो जैसे ही मैं पिक्सल लैब सर्च करूँगा तो ये दूसरे नंबर पे हमारे पास ऐप आ जाएगी, पिक्सल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स। तो सबसे पहले इसके रिव्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये डाउनलोड नहीं तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके रिव्यूज़ की बात करता हूँ, इसके अबाउट में जा के देखता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने लिखा है इजीली ड्रॉ एंड सिंपल एंड 3D टेक्स्ट एंड स्टिकर्स एंड एडिट योर इमेज फॉर फ्री। उसके बाद दोस्तों, फीचर्स की बात करें, टेक्स्ट ऐड कस्टमाइज एंड एज सच टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स एज यू वांट। तो दोस्तों, ये बेसिकली 3D जो आपके टेक्स्ट होते हैं जो आप फोटो में ऐड लगाना चाहते हैं उसके लिए ये बेस्ट ऐप है। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए ये ऐप जो है वो आपकी यूज़ होगी। उसके बाद दोस्तों, इफ़ यू हैव अ सजेशन अ क्वेश्चन और यू वांट टू रिपोर्ट अ बग प्लीज। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग इसके अंदर कुछ भी बग देखते हैं या कुछ भी कंप्लेन आपको इस ऐप से है तो आप लोग हमें रिपोर्ट कर सकते हैं वाया ईमेल। इसके वर्जन की बात करें, 2.1.1 वर्जन है इसका। 8 अप्रैल की इसकी लास्ट अपडेट है। 100 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो दोस्तों, हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं सिंपली इसको, ऐप होल्डिंग कंपनी की ऐप है, सिंपली अब मैं क्या करूँगा इस ऐप को ओपन करके आप लोगों को इसके बेसिक से इंटरफेस दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने मुझे एक क्लीन पेज दिया है जिसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करने का बोल रहा है ये मुझे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शोज़ा, इसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा इन्हांस करूं, इसकी एडिट करूं, इसके स्टाइल्स के अंदर जाके इसको चेंज करूं तो ये काफ़ी अच्छी एक लुक देगा। जिसके बाद ये देखें आप, मैं इसका साइज़ इन्हांस कर पा रहा हूं। उसके बाद इसको मैं अटैलिक के अंदर लेके जा सकता हूं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यह मैं इस पे ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं चाहता। तो उसके बाद दोस्तों, इमेज साइज़ को भी मैं यहाँ से अप्स एंड डाउन कर सकता हूँ। अगर मैं कलर की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकता हूँ। ग्रेडियंट के अंदर जाके देखता हूँ तो ये ग्रेडियंट इसके काफ़ी खूबसूरत हैं। तो ये कुछ इस ऐप के रिव्यूज़ थे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।